व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो लाइक बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे तो एंगेजमेंट आएगा, एंगेजमेंट आएगा तो पैसे आएंगे। ये तो दुविधा है। पैसे आएंगे तो मीटर सही होगा। So here we are, the first video of food vlog. तो इससे पहले आपने travels video देखी होगी, unboxing देखी होगी, but इस बार हम लेके आए आपके लिए कुछ food और delicious items. So welcome back to my channel. Hope you are absolutely fine. My name is Naveen Pokhriyal and भाई इधर आए, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी यार, वीडियो शुरू हो चुका है भाई। ये सेल्फी स्टिक काम तो कर नहीं रही है। सेल्फी स्टिक नहीं है। तो हियर इज अंकुश राणा फ्रॉम हरियाणा। अरे लुधियाना भाई, हरियाणा। हाँ, तो अंकुश राणा फ्रॉम लुधियाना। तो आज हम जा रहे हैं कुछ ऐसे ही डिलीशियस आइटम टेस्ट करने के लिए। तो आज का जो हमारा प्लान है, तो आज जो प्लान है गणेश चतुर्थी स्पेशल वैसे ही चल रहा है, तो हम गणेश चतुर्थी स्पेशल में जो कुछ आइटम्स होती है खाने वाली, तो आपके दिमाग में कौन सी आइटम आ रही होगी खाने के लिए? यार लड्डू कैसे रहेंगे? यार लड्डू कुछ अच्छा तो है, बट मुझे लगता है कि लड्डू से भी अच्छा कुछ होता है जो गणेश चतुर्थी में, और गणेश जी को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है तेरे को? हाँ भाई, मोदक भाई, मोदक। 200 रुपए दे और 50 रुपए खाट ओवर एक्टिंग के वजह। मोदक क्यों ना हम ट्राई करते हैं आज। तो हम चलते हैं। आज हमने तीन जो दुकानें हैं जो स्पेशल लुधियाना में मोदक की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटीज मिलती है वहाँ पे, तो हमने वो तीन दुकानें चूज की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हकीकत स्वीट, ठीक है? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जा रहे हैं हकीकत स्वीट में, वहाँ जाके आइटम्स ग्रैब करते हैं, और उसके बाद जाएंगे हम यहाँ वहाँ से लियालपुर, और उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम गोपाल स्वीट। तो तीनों आइटमों को जो ले के ग्रैब करके हम यहीं पर वापस आपको मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं, पहले सबसे पहले कहाँ पे? हकीकत। हकीकत स्वीट फर्स्ट, एंड दिस इज द रोड, दिस इज रोड कॉल्ड, दिस रोड कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉलेज रोड, कॉलेज रोड, एंड वी आर गोइंग टू फ्रॉम कॉलेज रोड टू डंडी स्वामी, एंड देन डंडी स्वामी में है हकीकत स्वीट अपना। तो अभी तो व्यू का मजा लेते हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं हकीकत स्वीट, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत। सो अभी हमने जो है क्या बोलते हैं उसको, हकीकत में जा चुके हैं। हकीकत से ख़त्म होने के बाद कहानी, अब हमारी कहानी जो आगे बढ़ रही है वो गोपाल स्वीट में बढ़ रही है। भाई इधर को देख ले, इधर इधर चल रहा है। तो गोपाल में, हाँ तो गोपाल में जो अगली कहानी हमारी गोपाल में चलेगी। तो हकीकत में जाके हमने जो मोदक है वो खरीद लिया, 3-3 पीस खरीदे हैं। उनके पास सिर्फ 2 ही वैरायटी थी, तो हमने 2 वैरायटी ले ली है। तो आगे हम आगे जाके चलते उसको गोपाल में जाएंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वैरायटी है। तो यहाँ की जो वैरायटीज़ हैं वो हमें पता है कि कौन कौन सा नाम है। तो अपना लॉकडाउन के कारण बंद है बहुत, तो आई मिस दिस यार, मुझे बहुत, मैं मतलब इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यार, मतलब। तो दिस इज द महाराजा रिजेंसी, तो इसके अंदर जो है सागर रत्ना है, तो जो विच इज़ बेसिकली फेमस फॉर अपना डोसा। डोसा तो कभी आएंगे यहाँ पर तो डोसा आपको ज़रूर ट्राई करवाएंगे। तो अभी आगे हम चलते हैं, तो हम नियर अबाउट पहुंचने वाले हैं यहाँ पर क्या कहते हैं गोपाल स्वीट्स में। तो हियर वी आर इन द गोपाल स्वीट, अभी हम गोपाल स्वीट के अंदर जा रहे हैं मोदक लेने के लिए। Sir, we are done with the Gopal Street and now we are going to Lialpur, the last stop of our point. So चलो चलते हैं। तो गोपाल स्वीट का जो माहौल था बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब एंड चक चक चका चक मज़ा आ गया वहाँ पे, एंड ये GoPro का था। तो अभी हम लास्ट, जो हमारा लास्ट पॉइंट, ओ माई गॉड, तो यहाँ पे जो है ब्लॉकेज आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी ब्लॉकेज हो रखी हुई है, तो हमें रॉन्ग साइड थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो अभी हम जो है लियालपुर कहाँ जाने लगे हैं? मॉडल टाउन वाली में। तो वहाँ से अपना क्या कहते हैं हम मोदक उठाएंगे जो लास्ट वैरायटीज होंगी, उनके बाद जो अलग अलग वहाँ।
तो फाइनली हमने ले लिया सब जगह से मोदक, तो अब हम जा रहे हैं रोज गार्डन उसको टेस्ट करने के लिए। हाँ, तो लियालपुर से हमने लास्ट अभी मोदक लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैरायटी तो ठीक ठाक थी, बट जो कार्ड है कार्ड सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा बुरा लगा जो मुझे लगा। हाँ, और रश थोड़ा ज़्यादा था, तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए वहाँ। उनके रूल है कि 300 के नीचे हम कार्ड नहीं यूज़ करते, तो प्लीज़ आप कैश कैरी करके रखना, बैड रूल। तो ओके, चलते हैं रोज गार्डन एंड मिलते हैं आपको रोज गार्डन में। सो अपना क्या बोलते हैं, रोज गार्डन तो क्या बोलते हैं अंदर से बंद था, तो हम वहाँ वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो एक्चुअली अब हम आ चुके हैं रख बाग, तो जो अपन को लोकेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई वहाँ पर, तो अपन अब क्या कर रहे हैं, फिर से वापस रोज गार्डन जा रहे हैं, वहाँ पर जाके कोई लोकेशन को ट्रेस करते हैं, क्योंकि रोज गार्डन अंदर से बंद है, पर बाहर से तो मेरे हिसाब से जो कम्फर्टेबल जगह है वो वही है, तो हम वापस जाते हैं वहाँ पर। हो गया काम, हकीकत का लड्डू, और हकीकत लड्डू की मोदक और मोदक की पैकिंग बहुत ज़्यादा, मतलब दिस इज़ द पैकिंग ऑफ हकीकत। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हकीकत पैकिंग, बट यार लायलपुर की जो पैकिंग है वाह यार, और जो गोपाल की पैकिंग है आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस। हाँ, तो दिस इज द बॉक्स ऑफ गोपाल एंड लायलपुर एंड दिस इज द पैकिंग ऑफ, इनकी तो पिचक गई यार, बहुत बहुत बुरा हुआ। तो हम शायद ही इसको रिव्यू में लेंगे बिकॉज ऑफ टेस्ट, बट वी आर नॉट टेकिंग द पैकिंग ऑफ दिस टाइप। सो अभी हम क्या करते हैं देखते हैं, चलो आपको पहले ये दिखाते हैं इनकी शक्ल। सो दिस इज द अमेजिंग मोदक, और सबसे ज़्यादा अभी तक मुझे लगा जो सही मोदक हैं जिनकी कंडीशन बिल्कुल एज वेल बिल्कुल बहुत अच्छी है, वो है दिस गोपाल पैकिंग। एंड मैं पहले भी कह रहा था कि गोपाल इज गुड इन फूड क्वालिटी। सो अभी अपन क्या करते हैं, टेस्ट करने लगे हैं, और टेस्ट करने के बाद देखेंगे कौन सा जो मोदक है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। हकीकत वाले हमने थोड़ा सा साइड में रख दिए हैं क्योंकि उसकी हालत हो चुकी है ख़राब, तो पर हम टेस्ट जरूर करेंगे एक बार, उसे हम खराब कंडीशन होने के करके हम नहीं छोड़ सकते। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेस्टिंग द दिस अमेजिंग चॉकलेटी मोदक, तो अभी ये खाएंगे और बताएंगे कि इसका क्या रिव्यू है, जस्ट टेस्ट। इसमें कैशिश डाले हुए हैं और मीठा थोड़ा थोड़ा, मतलब बिल्कुल लाइट सा, मतलब एक शुगर फ्री टाइप का इन्होंने चॉकलेट का जो है अपना, मेरे ख्याल से कह सकते हैं एक तरह से शुगर फ्री टाइप, बस कैशियो डाले हैं और उसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट का जो है फ्लेवर डाल रखा है। बट इसका टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट है यार, मैं पूरा ही खा लेता हूं यार, ऐसे आधे छोड़ना तो बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा। वी आर ट्राइंग सेकंड वन, दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज मेरे ख्याल से वाइट चॉकलेट, दिस इज वाइट चॉकलेट एंड वी आर टेस्टिंग दिस वाइट चॉकलेट। एंड व्हाइट चॉकलेट के साथ इसके अंदर तो हल्का हल्का मुझे कहते हैं ना वो खोया, उसका बहुत टेस्ट आ रहा है, इसमें खोए की फीलिंग है। हाँ, मतलब बाहर से व्हाइट चॉकलेट है पर अंदर से जो फीलिंग कर रखी है पूरी खोए की है बाहर से, मतलब इसको जो बाहर से जो उसकी एक तरह से कहते हैं ना कि बनाया व्हाइट चॉकलेट का है बाहर से, पर अंदर जो फीलिंग पूरी है वो है अपना खोए की, और साथ में इसके अंदर भी आपको कैशेस मिल जाएंगे बहुत, मतलब यार अल्टीमेट यार अमेजिंग। और साथ में ये जो मिस्ट्री का फ्लेवर है ना इसके अंदर, इट्स टू मच अमेजिंग यार, टू मच अमेजिंग। आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद दिस वाइट चॉकलेट। OMG अब नवीन टेस्ट करेगा ये कौन सा है? दिस इज कॉल्ड काजू और बादाम का जो मिश्रण को क्या कहते हैं उसको, ड्राई फ्रूट मोदक। ड्राई फ्रूट मोदक, तो मैं उसमें से नारियल मोदक का एक सिलेक्ट किया, तो मैं उसका टेस्ट आपको बताऊंगा और ये नवीन इसका आपको टेस्ट बताएगा कैसे। दिस इज फ्रॉम लियालपुर आई थिंक, नहीं दिस इज गोपाल ड्राई फ्रूट मोदक। This is Nariyal, OMG. I'm the big fan of Nariyal, you know. Nariyal Pani. Nariyal Pani, and all. So, first of all, ye test karega apna.
नारियल फ्लेवर। गाइस इसे खा के तुम्हें बचपन की एक टॉफी याद आ जाएगी, नून नारियल की, नून नारियल की, नून नारियल की। अरे कहना क्या चाहते हो? ओ माय गॉड यार, सीरियसली। और ये जो है अपना क्या कहते हैं इसको, आप देख सकते हो अगर आपको पूरा क्लियर पिक्चर में दिख रहा होगा तो ये दिस इज कॉल्ड अवर ड्राई फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट मोदक एंड फुल ऑफ फिलिंग ऑफ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, पिस्ता एंड खोए की जो क्या कहते हैं उसको ऊपर से पेस्टिंग कर रखी है। टू मच देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन और हेल्दी लग रही है इसकी, आई थिंक सो। तो मुझे थोड़ा सा टेस्ट करना है इसका। मतलब इसका जो खोया है ना, एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और शुगर जो है बहुत कम मात्रा में है और क्या कहते हैं इसको बहुत जल्दी मतलब मुँह के अंदर बहुत जल्दी मतलब घुल गया, घुल रहा है, मतलब इट्स अमेजिंग। तो थोड़ा हैवी है, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, बट सीरियसली इट्स टू अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। एंड लास्ट ऑफ हकीकत जिसकी जो पैकिंग से हम डिसअपॉइंटेड हैं। हाँ तो ये तो वैसे अब अबेंडेड हो चुका है यहाँ पर, बट वी आर ट्राइंग दिस। एंड ये तो इनके ये तो मोदी जी के लड्डू लग रहे हैं, मोदक के नाम पे मोती चूर के लड्डू पकड़ा दिया इन्होंने मुझे। मतलब जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी मेरे ख्याल से एक मोदक पड़ा था जो बिल्कुल डिज़ाइन में होना चाहिए था, बट डिज़ाइन भी इसका कुछ खास नहीं है। मतलब जस्ट कहते हैं कि हम ये मतलब वैसे ही दे दिया इन्होंने, एक तरह से लगा लीजिए तो थोड़ी सी शेप बना दी उसकी मोदक टाइप की और दे दिया। मतलब कोई ऐसी वैराइटीज़ वगैरह कुछ खास नहीं है इसमें। तो आई विल टेस्ट दिस, शायद इसके अंदर फ्लेवर शायद अच्छा हो। No, it's like a मोती चूर लड्डू, सिंपल मोती चूर लड्डू एंड जस्ट शेप दी हुई है मोदक की। हाँ बट नथिंग मोती चूर लड्डू, नथिंग एक्स्ट्रा एंड नथिंग स्पेशल टाइप। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द हकीकत शॉप, दिस इज नॉट गुड। एंड अनदर ऑफ द खोया, खोया, I think this is खोया मोदक, खोया मोदक, and this खोया मोदक is I think so कि इन्होंने भी खोया बर्फी या खोया लड्डू को शेप दे रखी है एक तरह से। Yeah, it's made like a खोया बर्फी। हाँ, खोया बर्फी और उसको भी शेप दे रखा है इन्होंने मेरे हिसाब से। तो इनकी भी हालत थोड़ी सी बुरी है। हाँ, this packing बहुत ज़्यादा बेकार होने करके एक तरह से पिचक चुके हैं पूरी तरह से। तो और ये मोदक निकला, मोदक तो लग नहीं रहा, ये लड्डू लग रहा है, मोदक का सब कुछ निकल चुका है इसके अंदर से। तो इसमें बादाम लगे हैं गिनती के दो। हाँ, तो जो जिम हॉलिक पर्सन है उनके लिए वेल एंड गुड है, दो बादाम निकाल के आप खा सकते हैं। इसका टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। मैंने आपको बताया था शक्ल देख के कि ये बर्फी है खोए वाली, तो उन्होंने खोए की बर्फी को या खोए को जो दे रखा है अपना कहते हैं उसको, और शुगर वाले बंदे बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर एकदम ही बढ़ सकता है, हर वो मर भी सकते हैं। तो हमें जो लगता है, हाँ तो हमें जो लगता है कि शायद हकीकत इज नॉट अ गुड डील फॉर दिस मोदक। एंड अगर तुझे गोपाल और लालपुर में से चूज करना है तो क्या लगता है तेरे को, गोपाल से या लालपुर? बट मुझे जहाँ तक लगता है लालपुर में जो अगर हम सिर्फ पैकिंग को ध्यान में देखें तो दोनों ही पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट जो एंट्रेंस थी जो लालपुर और गोपाल की उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क था। वहाँ की जो सफाई हमने गोपाल की देखी है और क्या कहते हैं उसमें जो हेल्थ प्रिकॉशंस वो अपना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी थी इन दिस पैंडमिक सिचुएशन कोविड करके। तो लालपुर में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा ऋषि था तो हम नहीं कह सकते कि और गोपाल के पास इतनी वैरायटीज थी और उनके पास बड़े बड़े मोदक में भी एक एक किलो के मोदक होंगे वो। हाँ, तो वो भी अवेलेबल थे। मेरे हिसाब से जो रिव्यू वो हमें लगता है कि गोपाल इज द बेस्ट इन मोदक, बट लियालपुर का जो चॉकलेट मोदक था मेरे ख्याल से वो भी अच्छा था। बट अगर उनका नारियल मोदक भी बहुत अच्छा है, जो 90s के किड है उनके उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ, यार बट हम ऑल द सिचुएशंस जो हमने देखी है और सब कुछ मिला के उनकी क्वालिटीज़ और क्या कहते हैं उनकी हेल्थ प्रिकॉशंस की टिप्स और इन दिस सिचुएशन, तो हमें लगता है, मुझे भी लगता है और तुझे भी लगता होगा शायद कि हमें गोपाल इज़ अ
बेस्ट गोपाल, गोपाल इज द बेस्ट। तो दिस रिव्यू आप अब अगर मोदक लेने हो तो आप गोपाल के पास ही जाइए, क्योंकि टेस्ट वाइज और कहाँ जा रहा है। दिस खोया इज टू मच बैड यार, इतना मीठा, इतना मीठा, आई थिंक दिस इज टू मच बैड। तो आज का जो रिव्यू है हम यहीं पे करते हैं खत्म, और जो हमारे रिव्यू के विजेता मतलब विनर हैं वो एक तरह से गोपाल के स्वीट डिलीशियस मोदक बनते हैं। तो गणेश चतुर्थी चल रही है और मोदक बहुत बिक रहे हैं, तो आप जाइए गोपाल्स में और मोदक भी लीजिए और खा के देखिए, आपको लॉट्स ऑफ वैरायटीज मिलेंगी और बहुत सा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और भी आप चीज़ें खा सकते हैं वहाँ पे। बट अभी के लिए मोदक आपके लिए प्रेफर है, तो आप मोदक वहीं पे जाइए गोपाल जी। अगले हफ्ते हम फिर ऐसे ही कोई न्यू फूड ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी आर बस वी बोथ नॉट वी बोथ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक हंगर्स यार, यूनिक हंगर्स। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यूनिक हंगर्स। हां दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक हंगर्स एंड वी आर द ओनर ऑफ यूनिक हंगर्स। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अस एंड प्लीज फॉलो द यूनिक हंगर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो नेक्स्ट हम आपको अपना क्या कहते हैं ऐसे ही अगले हफ्ते हम आपको अलग अलग जो लुधियाना के रिव्यूज़ हैं फूड्स के रिव्यू आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे करते हैं फिनिश। तो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मासूमा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डू माय लवली फ्रेंड्स। और सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दे दिए जाएंगे, अपना इंस्टाग्राम के जो पेज है आप हमने नवा बनाया है, तो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, शबक है। अरे तेरा क्या मीटर नहीं चल रहा भाई? मीटर तो खराब हो गया। हो गया सर भाई, वो क्या कहते हैं उसका 2.5 साल एक्टिवा का हो गया, तो मीटर खराब ही होगा ना। तो पैसे लेके डलवा लेना भाई। भाई पैसे ही नहीं है भाई, सब्सक्राइबर आएंगे तो व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो लाइक बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे तो एंगेजमेंट आएगा, एंगेजमेंट आएगा तो पैसे आएंगे। ये तो दुविधा है। पैसे आएंगे तो मीटर सही होगा। तो अगर ये सारी चीजें अगर ये जो देख रहे हैं लोग तो कर दे, तो बिल्कुल यार बिल्कुल करेंगे। लव यू गाइस, आगे आएंगे ऐसी नवी वीडियोस पे। क्या लाओ।